जब खेत में ट्रैक्टर से कटकर हुई नाग की मौत और फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना यूपी के एक गांव की है जहां सालों पहले इस गांव में एक नागिन ने अपना ऐसा कहर बरसाया जिसको आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं। दरअसल सालों पहले एक नाग नागिन का जोड़ा यूं ही घूमते घूमते इस गांव में आ गया। उन्हें जब गांव में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लगी तो वह खेतों की तरफ चले गए। ऐसे में गांव का रहने वाला रामू नाम का एक व्यक्ति अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई कर रहा था। तभी नाग नागिन का जोड़ा तेजी से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह नाग जहां दाई तरफ था तो वह नागिन बाई तरफ चल रही थी। तभी अचानक से वह नाग रामू के ट्रैक्टर के नीचे आ गया। रामू को वह नाग नहीं दिखाई दिया और वह अपना काम करता जा रहा था। वहीं नागिन ने सारी घटना देख ली और नाग की आंखों में रामू का चेहरा देख लिया। फिर नागिन अपने नाग के पास गई और सिर पटक पटक कर खुद को मारने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक नागिन अपने नाग के पास बैठकर रोती रही। इसके कुछ ही देर में रामू फिर से उसी जगह अपना ट्रैक्टर चलाकर जा रहा था। मौका पाकर नागिन रामू के ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से पर चढ़ गई और ट्रैक्टर के साथ ही रामू के घर पहुंच गई। दोपहर का समय था, रामू घर खाना खाने के लिए पहुंच गया था। जैसे ही रामू ट्रैक्टर से नीचे उतरा तो नागिन उसके पैर पर डस लेती है। इसके बाद रामू की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। वह नागिन रामू के पास फन फैलाकर बड़े गुस्से से अपने नाक का बदला लेने के लिए बैठ गई थी। वह किसी को भी रामू के पास जाने नहीं दे रही थी। अब रामू के शरीर में जहर पूरी तरह फैल चुका था और रामू ने वहीं पर इस जहर के कारण अपना दम तोड़ दिया। वहीं गांव वासियों ने नागिन को डंडे और आग से जलाकर वहां से हटाने की कोशिश करी, लेकिन नागिन इधर से उधर नहीं हुई और रामू के पास ही बैठी रही। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि यदि यह नागिन यहां से नहीं जा रही है तो उसको जलाकर गांव से दूर किसी सुनसान जगह पर दफना दो। गांव वालों ने उस बुजुर्ग की बात सुनकर वैसा ही किया। उस नागिन के आसपास लोगों ने पेट्रोल डालकर उस पर माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते वह नागिन उस आग में जलकर राख हो गई और फिर गांव वालों ने उस नागिन को डंडे से उठाकर गांव के एक सुनसान जगह पर जाकर उसकी जमीन में गाड़ दिया। तब जाकर उन गांव वालों की जान बची और रामू के पास उसका परिवार गया। कुछ ही देर में रामू का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब से आज तक उस नागिन का कहर हर किसी को याद है, क्योंकि उस नागिन को देखकर लग रहा था कि वह नागिन सभी की जान लेना चाहती है। लेकिन सही समय पर लोगों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर समझदारी दिखाई और कई लोगों की जान बचा ली।